पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की, वो युद्ध जिसने लगातार पराजित हो रहे बाबर को एक नई शक्ति प्रदान की। ये युद्ध बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। ये युद्ध दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को ही दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई थी, पर दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ। बाबर की युद्ध नीति। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया है, किंतु इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि के नाम से भी जाना जाता है, का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। कोहिनूर हीरा। इस युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांटा। संभवतः इस बंटवारे में हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जिसे उसने ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना था। इस हीरे की कीमत के बारे में माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। युद्ध के पश्चात बाबर का अधिकार। पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का ही नहीं, वरन लोदी वंश के भाग्य का भी निर्णय कर दिया। अफगानों की शक्ति समाप्त नहीं हुई, लेकिन दुर्बल अवश्य हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली तथा आगरा पर ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया।